इसी स्कूल से सैलरी लेते हैं? लेते हैं। सैलरी इसी स्कूल से लेते हैं लेकिन पढ़ाते कहीं और हैं। कौन से राज्य में रहते हो? झारखंड। और देश? भारत। और भारत देश की राजधानी? झारखंड के सरकारी स्कूल का कुर्सी देखिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, जरा बताइए। तेरी धूप की रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, ये दीवानी की जहाँ भूल सुहानी देखी। संडे का स्पेलिंग बोलिए तो। जब से तुझे देखा दिल में कहीं आराम नहीं। अभी मैं किस स्कूल के ग्राउंड के बाहर खड़ा हूँ और मेरे पीछे स्कूल का भवन आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए। स्कूल का नाम है मध्य विद्यालय दुलमी प्रखंड कुकड़ू, ये सरायकेला खरसावां जिले में पड़ता है और ये काफ़ी पुराना स्कूल है, देख सकते हैं स्थापित 1949 में हुआ है। ये काफ़ी पुराना स्कूल है, स्कूल का डेंटिंग पेंटिंग हो गया है, लेकिन जो ग्राउंड में मैं खड़ा हूँ, जिस ग्राउंड में स्कूल है, स्कूल का कोई बाउंड्री नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर कोई भी अज्ञात व्यक्ति आता होगा, आराम से बैठ कर टाइम पास करता होगा। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्कूल है लेकिन यहाँ पर बाउंड्री नहीं किया हुआ। आप देख लीजिए सामने पहाड़ है, आप देख सकते हैं ये सामने पहाड़ है लेकिन बाउंड्री नहीं किया हुआ है। तो इतना बड़ा सरकारी स्कूल बना के छोड़ दिया गया है लेकिन यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, तो बाउंड्री होना चाहिए। क्या नाम है दादा? मेरा नाम शिवचरण अड्डी है। शिवचरण जी, ये स्कूल जो है कहाँ पर स्थित है? ये ग्राम दुलमी में स्थित है। ग्राम दुलमी में स्थित है। कितने बच्चे पढ़ते हैं जानते हैं आप? लगभग तो लगभग 200 के आसपास पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या समस्या, आपको कुछ पता है? समस्या ये है कि हमारा इतना बड़ा स्कूल है, यहाँ पर बाउंड्री नहीं है। हाँ, बाउंड्री नहीं है, दिख रहा है। यहाँ पर जो ग्राउंड है, थोड़ा मतलब ये है कि यहाँ पर मतलब थोड़ा खेलने के लिए मतलब सुविधा नहीं है ग्राउंड में। इतना बड़ा ग्राउंड होने के बाद खेलने के लिए सुविधा नहीं, खेलने के लिए सुविधा नहीं है सरकार के। यहाँ बाउंड्री होना चाहिए और पानी का व्यवस्था थोड़ा कम है। अच्छा, पानी का? हाँ, जैसे कि मतलब वहाँ किचन है तो पानी चापाकल से ले जाती है हम लोग का, ये जो बनाते हैं खाना उना। जल मीनार वगैरह नहीं लगा हुआ है? प्रधानाध्यापक आप है? प्रधानाध्यापक जोहार, कैसे हैं? ठीक है सर। टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं आप ही एग्जैक्ट बता सकते हैं? 186 186 बच्चे पढ़ते हैं। जी जी जी। क्लासरूम कितना है आपके यहाँ पे? 14 क्लासरूम है। शिक्षक कितना है? चार शिक्षक। एक टीचर डिपुटेशन है। तो डिपुटेशन कब हुआ था उनका? अरे 1.5 साल हुआ। तो अभी तक आए नहीं है? नहीं आया। तो सैलरी कहाँ से लेते हैं वो? यहाँ से, कुकड़ प्रखंड से। इसी स्कूल से सैलरी लेते हैं? लेते हैं। सैलरी इसी स्कूल से लेते हैं लेकिन पढ़ाते कहीं और हैं? हाँ, आगे राजनगर में। तो आप लोग इसका जो डीएससी साहब को बोलते हैं? हाँ। सर मेरा टीचर का जरूरत है। हाँ। हमको टीचर चाहिए, एक टीचर ग्रेड 4 का टीचर है, आजितपुर में वो है, ये राजनगर में। हाँ। कौन सा डिपुटेशन के बच्चे? डीएससी भाई, हम नहीं तोड़ सकते हैं, डीएससी का बात है। अच्छा, बीओ कहते हैं कि डीएससी साहब का ये मामला है, हम नहीं कुछ कर सकते। बस है ना जी। तो जगन्नाथ महतो जी, जरा आप देख लीजिए कब डिपुटेशन हुआ था उनका? 1.5 साल पहले ना? हाँ। कितने दिन के लिए हुआ था वो तो पता नहीं सर, पता नहीं है। अब बताइए कि पिछले 1.5 साल पहले उनका डिपुटेशन हुआ था, मतलब यहाँ से वो दूसरे स्कूल में पढ़ाने गए होंगे कुछ समय के लिए, लेकिन अभी भी वहीं पे पढ़ा रहे हैं लेकिन सैलरी वो इस स्कूल के नाम से उठाते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पढ़ाते वहाँ हैं, सैलरी यहाँ से क्यों लेते हैं। तो डीएससी साहब संज्ञान लीजिए और शिक्षा मंत्री जी संज्ञान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 200 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, 4 शिक्षक हैं, 14 क्लासरूम है। क्लासरूम तो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है लेकिन जब शिक्षक होंगे तो कैसे पढ़ाई लिखाई होगा, बच्चा लोग का करियर तो एकदम डूब जाएगा, बताइए जरा। लेकिन वो जो एक गए हुए हैं शिक्षक 1.5 साल से, सैलरी यहां से उठा रही है, सबसे बड़ा सवाल है कि जब सैलरी यहां से उठा रहे तो पढ़ा कहां रहे हैं? राजनगर में। तो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो ये तो डीएससी साहब को मालूम है ये बात? तो जरूर। तो डीएससी साहब इस पे जानबूझकर संज्ञान नहीं ले रहे हैं? हां, उन लोग पेमेंट दे रहे हैं, उन लोग मालिक है जिला का। हाँ, साइंस तो यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती होगी फिर बच्चों को? वो थोड़ा बहुत हम लोग मतलब जितना जानता है। नहीं, वो तो आप जितना जानते होंगे पढ़ाते होंगे। हाँ। तो जुगाड़ से चल रहा है। हाँ, जुगाड़ से चल रहा है। हाँ। इंग्लिश पढ़ाने वाला आदमी साइंस पढ़ाए, अगर क्या बोलते हैं हिंदी पढ़ाने वाला आदमी साइंस पढ़ाए तो कैसे चले? वो चलेगा, वो थोड़ा बहुत चलता है लेकिन ज्यादा नहीं। तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसके वो तो अलग होते हैं। अलग है। और यहाँ पर क्या क्या समस्या है शिक्षकों के अलावा? पहले शिक्षक होना चाहिए और उसके बाद मैंने 4 दीवार होना चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए। बस पानी
पानी मोटा मोटी ठीक है। और शौचालय में पानी कैसे लेके जाते हैं लोग? ऐसे क्या बाल्टी बाल्टी से बल्टा से लेके जाते हैं। तो वो शौचालय है क्या? नहीं नहीं, वो शौचालय अच्छा उधर शौचालय है। अच्छा ये बताइए सर कि ये बाउंड्री के लिए, शौचालय के लिए, जल मीनार के लिए आप लोगों ने आगे कहा है? मीनार था लेकिन सोलार चोरी जब हो गया। हाँ तो बाउंड्री नहीं होगा तो चोरी होगा ही ना, जाहिर सी बात है। जब यहाँ पर बाउंड्री नहीं होगा, यहाँ पर बाउंड्री लगाने के बाद एक गेट नहीं होगा अच्छा से, तो सोलर का पूरा स्कूल चोरा के ले जाएगा। चोर लोग का काम ही है चोरा। सविता मातो जी जरा ध्यान दीजिए, शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप अपने मद से, अपने फंड से स्कूलों का जो है बाउंड्रीकरण करवा दीजिएगा, स्कूलों में जल मीनार लगवा दीजिएगा, तो कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो शिक्षक डिपुटेशन में गए थे 1.5 साल पहले, यहीं से सैलरी अभी भी उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पढ़ाने यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो DSC महोदय ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। DC महोदय जरा इस पर संज्ञान लीजिए, शिक्षा मंत्री मंत्री जी इस पे संज्ञान लीजिए। तो ये कौन सा क्लासरूम है? ये एक क्लास है सर। तो ये पहला क्लास है? एट क्लास का है। तो ये चावल यहाँ पर रखा हुआ है? हाँ। इधर आइए। तो यहाँ पे चावल क्यों रखे हुए हैं? तो कहाँ पर रखेंगे सर? नहीं पूछ रहे, जगह नहीं है? जगह है तो जैसे ऊपर उठाने में कौन उठाएगा? अच्छा उठाने की वजह से। हाँ। यही पूछ रहे हैं। कहीं भी रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा कि जब एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो पूरा इन्वायरमेंट क्लासरूम में पढ़ाई वाला होता है तो ज्यादा बेहतर होता है। वो तो बहुत बढ़िया होता है। गलत करो तो बताइए, है ना? तो ये यहाँ पर है, लेकिन चलिए ठीक है, सेफ्टी के लिए रखा हुआ। आप देख सकते हैं चावल वर नहीं चुराता है कोई। इधर आ जाइए, चावल बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं नहीं और कुछ नहीं यहाँ पे? कंप्यूटर लगा हुआ? नहीं, कंप्यूटर नहीं लगा हुआ है। सभी शिक्षक समय पे आ जाते हैं पढ़ाने? हाँ हाँ, हम लोग 9:45 बजे घुस जाते हैं विद्यालय। घुस जाते हैं? चलिए घुस जाते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। चलो खड़ा हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ। सौरभ, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी काम करता है। काम करते हैं? करता नहीं है, करते हैं। करते हैं, ठीक है ना? रेस्पेक्ट देना पिताजी ना है। कौन से राज्य में रहते हो? झारखण्ड। और देश? भारत। और भारत देश की राजधानी? भारत नई दिल्ली। ताली बजाइए, वेरी गुड। चलिए अच्छा बच्चा है, बैठ जाओ, तेज बच्चा है ये, अच्छा लगा। खड़ा हो जाओ, क्या नाम है? मेरा नाम जयंतो पाल है। कौन से कक्षा में पढ़ते हो? 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं। सेक्शन बी में हो आप? ये बताओ हिंदी पढ़ लेते हो आप? हाँ पढ़ लेते हैं हम। बढ़िया से कि टोटो के? बढ़िया से ही पढ़ लेते हैं। कहाँ है हिंदी का किताब देना तो जी? देखिए शिक्षकों की भारी कमी है, शिक्षा मंत्री जी अगर ना आत्मा तो जल्दी से नियोजन नीति बना के शिक्षकों की नियुक्ति करवा दीजिए। और जो डिपुटेशन में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ से सैलरी उठा रहे हैं, जो भी ऐसे स्कूलों में हो रहा है उस पर संज्ञान लेके दिखवाइए और बच्चों का भविष्य बचाइए। अब 2-3 शिक्षक 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक कैसे पढ़ा सकते हैं जरा बताइए? अब मैं मास्टरों को कैसे दोषी कहूँ, आप ही जरा बता दीजिए हमें। अब जाहिर सी बात है सर को चावल देखना होगा, खाना बनवाना पड़ता होगा, तमाम तरह की चीजें, ब्लॉक ऑफिस जाना पड़ता होगा, शिक्षा विभाग में जाना पड़ता होगा। जाते हैं ना? जी जी जी, जाते होंगे, क्योंकि आप वहाँ जाना है वो देखना है, इन लोगों का पढ़ाई हो चाहे नहीं हो तो सेकेंडरी मैटर हो जाता है। जी 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 जी, गलत कर रहा हूँ तो बताइए। नहीं नहीं नहीं, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। हाँ तो दो लोग क्या करेगा यहाँ पे? अब इधर पढ़ाएंगे तो उधर खाली, उधर पढ़ाएंगे तो इधर खाली, वो तो हमें करेगा सर। होगा ना? हाँ जरूर होगा। चलिए पढ़िए तो, रुको टीचर से ये पढ़। चलो पढ़ के सुनाओ। जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। चलो ठीक है पढ़ ले रहा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा? हाँ संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा। चलिए गुड गुड, ताली बजाइए। बच्चे लोग अच्छे हैं यहाँ पे। आप हिंदी पढ़ लेती हैं? हाँ। कौन से कक्षा में हैं आप? 8 का। 8 का स्पेलिंग बोलिए। EIGHT। वेरी गुड। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या? दो अंकों की डबल नाइन। हाँ करेक्ट, ताली बजाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। यहाँ पे बच्चे अच्छे हैं, स्कूल में शिक्षक कम है लेकिन बच्चे अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? क्या? शांति महतो। यहाँ पर शौचालय है? हाँ। आप लोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए काम आता है वो? आता है। हाँ? कैसे मतलब बाल्टी वाल्टी लेके जाती है? हाँ। हाँ? पानी नहीं है उसमें, है ना? नहीं। अच्छा आप ये बता सकती हैं कि 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन। संडे मंडे आपको आता है? हाँ। संडे का स्पेलिंग बोलिए तो। SUNDAY। हाँ चलिए गुड, संडे, ठीक है, बैठ जाइए। एक दो लोग से बात, खड़ा हो जाइए बेटा। क्या नाम है? मनीषा मुंडा। आपको हिंदी आती है ना अच्छे से? कौन कौन भाषा बोली जाती है यहाँ पर? बांग्ला। हाँ। मुख्यमंत्री का नाम जानती हैं आप? हेमंत सोरेन। हाँ वेरी गुड। शिक्षा मंत्री का?
जगन्नाथ महतो। हाँ देख लीजिए बच्चे को यहाँ पर बढ़ जाए, ताली बजाएं इनके लिए। तो बहुत सारा सुधार हो रहा है झारखंड के सरकारी स्कूलों में, लेकिन एकदम से सुधार नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, है ना सर? जी जी जी। एकदम से सुधार नहीं होगा क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका हमको लगता है। पिछड़ा इलाका यही है, हम लोग का टीचर नहीं तो कैसे पढ़ाई होगा? टीचर देंगे तब ना। मान लीजिए मेरा 1 से 8 तक कम से 8 टीचर चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। तो हम लोग को 4 टीचर, हम लोग क्या करेंगे? सही बात है। कुर्सी देखिए, अरे बाप रे बाप, झारखंड के सरकारी स्कूल का कुर्सी देखिए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, जरा बताइए ये कुर्सी ऐसा कहीं होना चाहिए? सर इधर आइए, काहे ऐसा कुर्सी है सर? नहीं नहीं, ये इसमें क्यों रखा हुआ है? रखा हुआ है, इंप्रेशन खराब होता है। अच्छा अच्छा, हटा देंगे। हटा दीजिए, क्योंकि कहिए ना आपके पास कोई दिक्कत है, फंड की प्रॉब्लम है तो शिक्षा विभाग को बोलिए। कोई जरूरत नहीं, अपने से हम मना ले आते हैं। नहीं अपने से तो ले आते हैं, लेकिन सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है, करोड़ों करोड़ों रुपया साल का बजट है शिक्षा विभाग का, अगर स्कूल में कुर्सी नहीं होगा, पंखा नहीं होगा, टेबल नहीं होगा, बाउंड्री नहीं होगा, तो पैसा जा कहां रहा है? सबसे बड़ा तो सवाल यही है। बात है कि नहीं है? बात सही है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं बाबू? टेंस 3 प्रकार। कौन कौन? पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। ताली बजाइए। गुड, यहाँ के बच्चे अच्छे हैं। इधर आइए सर, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपके बच्चे काफी अच्छे हैं। हाँ जी सर। कहाँ से आप पढ़ाने आते हैं? हम जामताड़ा जिला, मेरा घर है जामताड़ा। हाँ। तो जामताड़ा तो लगता है कि उन्हें बांग्लादेश देना जी, बहुत दूर है। यही रहते हैं पर हेसालोंग में रहते हैं। हेसालोंग में रहते हैं और यहीं से समय पे आते हैं। देखिए जो बाहर के जो शिक्षक होते हैं ना, मतलब मान के चलिए कि सरायकेला खरसावा जिला है, तो मान के चलिए जामताड़ा से, तो ये समय पर आते होंगे और ईमानदारी से पढ़ाते भी होंगे, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उनको चिंता है। पढ़ाते हैं ना? पढ़ाते हैं। देखिए ग्रामीण वासी कह रहे हैं कि समय पर आते हैं और समय से पढ़ाते हैं ईमानदारी से। धन्यवाद के पात्र हैं, और अच्छे से पढ़ाइए। कुछ कहना चाहिएगा? कोई समस्या है? ना इसे तो कोई समस्या नहीं, टीचर देने से अच्छा होगा। टीचर सिर्फ समस्या है, टीचर का समस्या है। हाँ तो चलिए, हम इंग्लिश का टीचर है, हमको मैथ पढ़ाना पड़ता है। हाँ ये तो समस्या वाली बात है, समस्या वाली बात हुआ। चलिए इधर आ जाइए। हिंदी गाना जानते? हाँ तो हिंदी गाओ आप लोग। ओ देश मेरे तेसान पे सदके, कोई धूल है क्या तेरी दूर से भर के, तेरी धूप की रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, ये दीवानी की जहाँ भूल सुहानी देखी, एक लो जो हुई मेरे शाम हो। ओ देश मेरे तिसान पे सदके, कोई धूल है क्या तेरी दूर से भर के, तेरे धूप की रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू चलो बैठ जा, कम से कम गाने का प्रयास तो किया। तू ही हमारा आशिकी रे, तू ही हमारी जिंदगी रे, तू ही हमारे दोनों रे तारा, तू ही हमारे जीवन रे, तू ही हमारे मरण रे, तोके छाड़ा बाची की ओ मोरा। हिंदी 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 समझ में नहीं आया कुछ? हिंदी हिंदी। हाँ। जब से तुझे देखा दिल में कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं, बन गई हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। थाली बजे। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? देवश्री महतो। देवश्री महतो। हाँ। क्या बनना चाहती, सिंगिंग करना चाहती है? जी नहीं। हाँ। नहीं बनना। अच्छा गाती हो? गाते हैं लेकिन क्या मेरा बनना चाहती हो पढ़ के? हम लोगों का महिपाल सर जी है ना, वो हम लोगों को संस्कृत पढ़ाते हैं, वो उसमें से एक पार्ट में लिखा है कि जो बनना चाहते हो वो बन के दिखाओ, वो बोलो मत। अच्छा चलिए, वेरी गुड। तेज बच्ची है, बैठ जाओ, ऑल द बेस्ट। बहुत प्यारी बच्ची है। और इधर आइए सर, और आपके यहाँ पर शौचालय हमको दिखाइए, कहाँ है थोड़ा शौचालय का नमूना दिखाइए। बाउंड्री नहीं होने के कारण यहाँ पर सामान चोरी हो जा रहा है, जल मीनार चोरी हो जा रहा है, चापाकल चोरी हो जा रहा है, कहीं कहीं जमीनियाँ उठा के लेके चल जाएगा लोग, ये सब समस्या है। और यहाँ पर शिक्षक हैं ही नहीं, 4 शिक्षक हैं, कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई होती है, शौचालय है। शौचालय देखिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी के दौर में जो है, थोड़ा सा इधर जाइए,
पानी चाहिए, पानी नहीं होने के कारण दिक्कत हो रहा है, क्योंकि चापाकल वहां है, दिखाइए चापाकल वहां है, वहां से पानी लेके आपको यहां पर शौच करने के लिए आना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। जय हिंद।